सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि भाई लोगों को ये लगता है कि कोई भी बंदा, यहाँ मैं अपने इर्द गिर्द भी देखता हूँ, लोगों को ये तासुर है कि यार जो बंदा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वही बंदा इंटरनेट से पैसे कमा सकता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक दो एग्जाम्पल नहीं है यार, हाँ एक दो बंदा, मुझे ये लगता है कि जो इंटरनेट से पैसे बना रहे हैं उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद 40-50% ऐसे लोग होंगे जो मतलब 5वीं 7वीं तक स्कूल गए और उसके बाद वो मोबाइल की शॉप्स पे काम करने लग गए, ये इस तरह के लोग। तो बहुत इजी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, हाँ एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शौक। आपके अंदर वो एक जज्बा होना चाहिए इंटरनेट से पैसे बनाने का। तो भाई एजुकेशन या इंटेलिजेंस और ये चीज़ें तो भाई साइड में ही कर दो, इस तरह की कोई चीज़ आपको रोकेगी नहीं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, उनको शौक नहीं है, वो बस देखा दाखी में कि हाँ यार वो इंटरनेट से कमा रहा है मैं भी कमा लूंगा, तो वो शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं। और मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, ठीक है। तो ये सीन है, तो इसमें एजुकेशन का कुछ लेना देना नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को एक तो जेन से निकालो। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसका नाम सुनते ही आपके जहन में आता होगा, अरे यार ये क्या है क्रिप्टो करेंसी, ये तो हमारे पास फिजिकल कोई चीज़ है ही नहीं, ये कैसे होता है। बहुत ईजी है, मतलब इतना ईजी है क्रिप्टो करेंसी बाय करना, सेल करना, उसको क्या आपकी सोच है। मैं आपको यहाँ पर एक ऑलरेडी इस पर मैंने ट्यूटोरियल आई थिंक मेरा 10 मिनट का है, यहाँ पर मैं उसका वीडियो का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, आप जाकर सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो, खरीद। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मजे की चीज बताने वाला हूँ, यानी आप कोई भी बंदे हो, मतलब स्टूडेंट हो, ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हो, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। वीडियो को लाइक वाइक कर देना, और हाँ अगर क्रिप्टो करेंसी भी आपको और वीडियो चाहिए तो एक कमेंट नीचे कर दो कि हाँ भाई इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ, इस पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो यस ऑफ कोर्स मैं वीडियो फेंक दूंगा। और तो अब हम लोग आते हैं मेन चीज के ऊपर। तो भाई मैं क्रिप्टो में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है। मैं बस एक काम करता हूँ छोटा सा और ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल के चला जाता हूँ, उसमें रिस्क भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और मैं जो उसमें जिधर इन्वेस्ट करता हूँ वो मतलब ऐसी चीज है कि भाई उससे लेट सही लेकिन आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बताता हूं। सबसे पहले मैं वेट करता हूं डिप का। अब मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी चीजें करता जा रहा हूं, ताकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको भी जीरो नॉलेज होगा, वो बस पहली बार क्रिप्टो के बारे में कुछ देख रहे होंगे। डिप का मतलब ये होता है कि जब क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो क्रैश नहीं बोल सकते, क्रैश एक अलग चीज है, डिप मतलब उसकी जो प्राइसेस हैं वो डाउन जाती हैं, ठीक है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल एक बिटकॉइन जो है आपको 10 रुपए का मिल रहा है, उस वक्त उसकी प्राइस 8 रुपए हो जाती है। मैं उस डिप का, उन क्रिप्टो करेंसीज की जो प्राइसेस है उसको डाउन होने का वेट करता हूं, और उसके बाद मैं इथेरियम या बिटकॉइन, इन दोनों में से एक कॉइन मेरे पास जितने पैसे पड़े होते हैं उन सब का खरीद लेता हूं। अब मैंने रिसेंटली एक डिप आया, उसमें काफी ज्यादा लाइक बिटकॉइन भी गिरा, इथेरियम भी गिरा, तो मैंने इथेरियम में इन्वेस्ट किया। इथेरियम भी बिटकॉइन की तरह ही एक कॉइन है। अब मैंने बेसिकली किया क्या कि मेरे पास कोई 8 लाख रुपए ऐसे थे जो मैं चाहता था यार इनको कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है। आपने थंबनेल में जो देखा है वो मैंने थोड़ा कम लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ वो मैंने क्यों लिखा है, मतलब उसमें मैंने कम क्यों लिखा है। मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक्चुअल में हिसाब भी किए हुए कि यहाँ पर मिलकर हम लोग करते हैं, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यार अगर आप इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हो तो भाई आप लोग हमारे 2 कोर्सेज हैं, एक ब्लॉगिंग सीक्रेट कोर्स है जिसमें हमने बताया कि वेबसाइट से आप किस तरह बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, जो कि हम खुद भी कर रहे हैं, और दूसरा यूट्यूब से जिस तरह हम अर्निंग कर रहे हैं आप किस तरीके से कर सकते हैं, अपना चैनल किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे दोनों कोर्सेज अगर आपको बाय करने हैं, एक कोई भी कोर्स बाय करना है, ब्लॉगिंग सीक्रेट कोर्स या यूट्यूब मोबाइल कोर्स, तो आप लोग इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। और यूट्यूब का जो कोर्स है वो सिर्फ मोबाइल से दिखाया गया कि आप मोबाइल से यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर उससे कमाने तक किस तरह काम करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही डिप आया और इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन $2,500-$2,250 तक चली गई इथेरियम की, तो मैंने कहा यार अच्छा मैं इसी का मौके का इंतजार करता हूँ। मैं छोटे मोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करता, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनमें इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, बट मैं सेफ चलता हूँ, मुझे पैसे गंवाने का शौक नहीं है, मैं बस सेफ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आज लो रिस्क लेना चाहिए, मैं पहले करता था, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने किया, लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, कुछ डॉज वगैरह और इनको इनमें नुकसान भी हुआ। तो अब ये है कि मेरे और काफी ज्यादा काम है, तो मुझे इस पे फुली डिपेंडेंट मैं नहीं हूँ कि यार मैं क्रिप्टो से ही कमाना है, मैं बस डिप का वेट करता हूँ, जो पैसे पड़े हो 10 लाख हो 15-20 जो भी हो मैं डाल देता हूँ और उससे प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, भाई थोड़ा मैं साइड पे हो जाता हूँ ताकि बल्कि साइड पे हो जाता हूँ। अच्छा यहाँ पर यार इथेरियम की जो प्राइस है वो गिर के $2,250 पे आ चुकी थी, कुछ 2800-2900 से, और अभी तो करंटली $3,100 चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ बाइनेंस अकाउंट में भी चलते हैं। तो मैंने क्या किया कि 2 इथेरियम जो है बाय कर लिए, ठीक है। अब 2 इथेरियम जो है एक हिसाब करते हैं कि मुझे $4,500 कॉस्ट किए, USDT बेसिकली USDT से मैंने लिया, और USDT की जो प्राइस है वो US डॉलर से थोड़ी होती ऊपर होती है। अब USDT बेसिकली एक आप कह सकते हो स्टेबल करेंसी है, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम वगैरह इनकी प्राइस अप डाउन चलती रहती है, लेकिन USDT ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे USDT खरीद के रखे हुए हैं, मैं बाइनेंस अकाउंट के अंदर बाइनेंस ऐप जो है उसके अंदर मतलब करता हूँ ये क्रिप्टो की ट्रेडिंग, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल उसमें मेरे आप यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ बाइनेंस ऐप में हम चलते हैं,
अभी मेरे कुछ पड़े हुए होंगे उसमें। ओके सो यहाँ पर ये इथेरियम है जी। ओके यहाँ पर अभी मेरा अकाउंट देखो तो अभी मेरे इसमें यूएसडीटी पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मेरे 675 जो है यूएसडीटी जो है इसमें अभी पड़े हुए हैं। अब ये मैं जब आप किसी कोइन से कोई प्रॉफिट लेते हो तो उसको आप यूएसडीटी में चेंज कर देते हो या किसी दूसरी स्टेबल करेंसी में चेंज कर देते हो। यूएसडीटी मैं करता हूँ तो इसका मतलब क्या, अब ये जब तक भी पड़े रहे ना इनकी वैल्यू कभी गिरेगी नहीं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इथेरियम लेके रख लूं तो उसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है, उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। जो जब भी आप किसी कोइन से कोई प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो उसको आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लो, जब आपको लगता है यार उसकी प्राइस अच्छी हो गई है तो वो आपको इस तरह प्रॉफिट दे देता है। समझ आपको आ गई हो? यानी यूएसडीटी बेसिकली एक स्टेबल करेंसी है, ये यूएस डॉलर नहीं होता, यूएसडीटी जो है, ठीक है। तो खैर इस बात को छोड़ो, अभी हम यहां पर आ गए। अच्छा अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं $4,500 को मैंने पाकिस्तानी, यानी मैंने तकरीबन 8 लाख रुपए की क्रिप्टो, दो जो है इथेरियम खरीद लिए, ठीक है। जब वो डिप आया हुआ था उसकी प्राइस डाउन गई हुई थी, वो $2,200 के आसपास की था, ठीक है, 2250 आर समथिंग, ठीक है। तो मैंने इतना ले लिया। अब वो बढ़ के जब मैंने उनको सेल किया है पिछले दिनों में कोई 5, अब तो हफ्ता भी हो गया, ये टोटल 8 दिनों की गेम हुई, 8-9 दिनों में, ठीक है। तो उसको जो मैंने सेल किया उसकी जो प्राइस थी वो $3,200 को टच कर गई थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्चुअली इथेरियम 32, यहाँ पर इथेरियम में गए हम लोग, यहाँ पर 1 मंथ का कर लेते हैं, यहाँ पर जो टॉप इसकी प्राइस गई, ये देखें यहाँ पर ये जो है भाई $3,261 पे ये गया है, ठीक है। यहाँ पर नहीं बल्कि हमने इधर आगे इसको किया था सेल, ओके हाँ ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको हमने कहीं $3,200 पे, मैंने इसमें ऑटोमेटिकली लग जाता है, आप बेशक सोए हुए जागे हुए आपने लगा दिया कि भाई जब ये कोई इतने पे जाए मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, तो मैंने इसको जो है यहाँ पर कहीं पर इस जगह पे सेल हो गया होगा मेरा ऑटोमेटिकली हुआ, मुझे नहीं पता किस किस पॉइंट पे हुआ, ठीक है, इधर ही कहीं ये मेरा सेल हो गया। और मैंने जो इसको बाय किया था ये यहाँ पर $2,183 पे कम से कम गया है, इससे मैंने थोड़ा आगे ही बाय इसको किया था यहाँ पर कि मैंने इसको खरीदा होगा, ठीक है। कोई 8-9 दिनों में ये मेरा इतने इसका, अब इसकी प्राइस $3,200, यानी मेरे पास दो इथेरियम पड़े हुए थे, मैंने जो खरीदे थे वो $2,200 में खरीदे थे, ठीक है, मैंने टोटल उस पर $4,500 इन्वेस्ट किया। अब उसकी जो प्राइस है वो कितनी हो गई, वो $6,400 हो गई, ठीक है, क्योंकि 3200 में मैंने सेल किए हैं, दो इथेरियम थे मेरे पास, पहले उसकी प्राइस एक इथेरियम की $2,200 थी जब मैंने खरीदे थे, बाद में उसकी प्राइस बढ़ के $3,200, और ये डिप आते रहते हैं, यानी एक बार आया, हर 2-3 महीने बाद एक डिप आता रहता है। तो अब भाई वो $6,400 के हो गए इन पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। तो ये जी आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन ये इतना आपको इसमें, ये मेरे जो मेरी 8 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो 11.5 लाख समथिंग की हो गई, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 3.5 लाख के करीब करीब इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, ठीक है, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर इसको करते हैं बंद और अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी आप बाय किस तरह करोगे। तो आप बाइनेंस अकाउंट है, पाकिस्तान में सब बाइनेंस ही यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे आप उसका यूज़ उस पर अकाउंट आपने बनाना होता है अपना आईडी का, मैंने आपको सारा तरीका बताया हुआ, आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं बाइनेंस वाली, उसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आपने सारा कुछ करना है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड आप ये काम कर सकते हैं कि अब आप बोलोगे यार हम क्रिप्टो करेंसी खरीदी कैसे जाते हैं, तो बेसिकली आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कोई बंदा ढूंढ लो ऐसा इंटरेस्टेड जो आपको जो है यूएसडीटी प्रोवाइड कर दे, क्योंकि यूएसडीटी हम पहले खरीदेंगे, ठीक है, यूएसडीटी से फिर आगे जो भी हमने बिटकॉइन खरीदना हो इथेरियम खरीदना वो हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कोई बंदा ऐसा ढूंढ लो, या फिर बाइनेंस ऐप के अंदर ही P2P का ऑप्शन होता है, मैं वो यूज़ करता हूँ, मोस्टली सिक्योर है बट कभी कभी उसमें चार्ज होते हैं। एक बार मेरे साथ धोखा होने वाला था, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, मोटा मोटा जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें मैंने इस तरह किया, मैंने कुछ सेल करनी थी करेंसी, तो मैं जब सेल उसको की तो वो जो जिस बंदे को सेल करनी हो वो पहले आपको पेमेंट करता है, ठीक है, या आपने अगर किसी से खरीदनी होगी तो आप उसको पहले पेमेंट करोगे, ठीक है। तो मैंने सेल करनी थी तो वो बंदा मुझे कहता है मैंने पेमेंट भेज दी, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी बना के भेजा, मैंने कहा ठीक है यार, वो कहा 3-4 घंटे रात का, वो एक का टाइम था, तो 3-4 घंटे भाई वो बंदा बोलता रहा यार पेमेंट आ जाएगी UPL में लेट आती है ये वो, मैंने कहा यार मैं वेट करूंगा, मैं उससे पहले मैं करेंसी आपको रिलीज नहीं करूंगा जब तक मुझे पेमेंट ना रिसीव हुई। तो फिर उसके बाद उसने भाई मुझे वो किया, मतलब उसने मुझे एक्चुअल में पेमेंट की 4 घंटे के बाद, तो फिर मैंने उसको जो है करेंसी रिलीज की। तो इस तरह के मसले आ जाते हैं उससे, तो इससे बचने के लिए आप यही कर सकते, बाकी मुझे यही एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, वही मुझे मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, मुझे पैसे मिल गए, लेकिन ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैंने आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी P2P से मैंने काफ़ी बार मतलब चीज़ें, मैंने 2-3 लाख की करेंसी मतलब USDT में खरीदता रहा हूँ, मुझे मसला नहीं हुआ। तो ये इसमें एक हिसाब किताब होता है, ठीक है, बाइनेंस में P2P से अगर आप खरीदते हो तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि P2P आपके टॉप फॉर यू, बाइनेंस आप लिखोगे बाइनेंस के बारे में मेरी ऊपर वीडियो आ जाएगी, खैर इसमें हिसाब किताब होता है। बाकी आप हर वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़े से आप, जरूरी नहीं है कि मैंने दो इथेरियम लिया तो आपने भी दो ही लेने,
आप $100 का भी ले सकते हो, 50 का, 10, 20 डॉलर का भी ले सकते हो। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलना चाहते हो, सही है, या कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, और उस हिसाब से भी प्रॉफिट होता है। अब मैंने फॉर 8 लाख इन्वेस्ट किया, अगर मैं 16 लाख करता तो मेरा वो प्रॉफिट जो 3 लाख है वो 6 लाख हो जाता, अगर मैं 32 लाख करता तो मेरा वो फिर उससे भी 2 टाइम्स हो जाता। तो इस तरीके से ये सारा सीन चलता है। तो आप लोग एक स्टार्ट ले सकते हो, आप ऐसी चैनल वेबसाइटों में इन्वेस्ट करते हो, ये चीज़ थोड़ी बाइनेंस पे सीखो कि किस तरीके, ये बेसिकली जो है इसको स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर और मार्जिन में भी आप फ्यूचर में घुस सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर फोकस करो। स्पॉट ट्रेडिंग बहुत ही टू द पॉइंट है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा हासिल की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्विन लो जब डिप आया हुआ, उसके बाद उसको लगा दो ऑटो के ऊपर कि भाई ये इतने पे गया तो सेल हो जाए, तो आपका काम बन सकता है। तो बाकी आप डिटेल के लिए वो हमारी बाइनेंस वाली वीडियो देख सकते हो। यस यस यस, अल्लाह हाफिज़।